हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आरसी बेहवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केम डीटीएस 5 का पेपर का सॉल्यूशन। केम डीटीएस 5 के जो टॉपिक हैं वो हैं केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैंग्वेज, एसपी हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ चूज करेक्ट ऑप्शन कंसीडरिंग एमओटी, मतलब एमओटी को कंसीडर करते हुए आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन की बात पूछी है। सी टू मॉलिक्यूल डू नॉट डिटेक्टेड इन एनी फेज बट इन कैन बी एग्जिस्ट विथ डायमैग्नेटिक नेचर। तो सी टू मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फेज में डिटेक्ट किया जाता है। यहां बोल रहा है डू नॉट डिटेक्ट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इफ 2s2p मिक्सर नॉट कंसीडर देन B2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। यदि 2s2p मिक्सर कंसीडर नहीं की जाए तो B2 डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो बात करते हैं 2s2p मिक्सर में जो एमओ डायग्राम बनेगा वो बनेगा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और फिर यहां ये 2pz सिग्मा और 2p अक्ष पाई और 2p वाई पाई। तो हमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर 2s2p मिक्सर कंसीडर नहीं करते हैं तो B2 वाकई में डायमैग्नेटिक आ रहा है, और यदि 2s2p मिक्सर कंसीडर करते हैं तब ये एमओ डायग्राम ऊपर की, ये एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। If internuclear axis is taken to be in the ax direction, then it can be seen that linear combination of 2p ax orbital of two atoms do not produce 2 sigma molecular orbital design as sigma 2p ax and sigma 2p y. यहां ये बोला हुआ है, तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो दो तरीके से होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दोनों बनेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एमओटी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। वाकई में एमओटी एक्सप्लेन करती है कि O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। हमें पूछा है करेक्ट ऑप्शन, देन करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, तो आंसर शुड बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर PCl5। PCl5 जो कंपाउंड है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ये वाली स्ट्रक्चर होगी। हमें ये पता है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, तो पहला ऑप्शन चेक किया है। हमें यहां भी करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पीसीएल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सिव इंट्रैक्शन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड्स हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर एंड हेंस स्लाइटली वीकर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स व्हिच मेक PCl5 मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव। PCl5 में एक्सियल बॉन्ड लेंथ, अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको मैं बी बोलूं तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड हो गया। तो यहां पे यही बोला हुआ है कि एक्सियल बॉन्ड हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर हेंस स्लाइटली वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। सेकेंड की बात करते हैं, 3 PCl बॉन्ड लाइन इन वन प्लेन एंड मेक एन एंगल ऑफ 120 विथ ईच अदर। ये जो 3 PCl बॉन्ड है ये तीनों का एक ही प्लेन है, जो ट्राइगोनल शेप में है ये तीनों, और यहां बॉन्ड एंगल भी 120 का है, तो बी स्टेटमेंट भी सही हो गया। PCl5 इज ए कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। PCl5 कलरलेस ऑयली लिक्विड नहीं होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड PCl3 होता है। PCl5 येलोविश व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दैट मींस स्टेटमेंट ये गलत है। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड एज ए PCl4 और PCl6-, ये सही है, ये सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चेक करने थे, तो ए बी और डी मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज इनकरेक्ट कंडीशन फॉर फीचर फॉर हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल कंडीशन प्रियर टू द हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होना जरूरी है? नहीं,
कोई जरूरी नहीं है, हाइब्रिडेशन विदाउट एक्साइटेशन भी हो सकता है। तो यहां बोला है कि असेंशियल कंडीशन, तो स्टेटमेंट गलत हो गया और हमें इनकरेक्ट ही स्टेटमेंट पूछे हैं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एनर्जी और शेप में सेम होते हैं, तो यह स्टेटमेंट सही हो गया। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट इंडिकेट द ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल, तो जो हाइब्रिडेशन है वो वाकई में इंडिकेट करता है उस कंपाउंड की क्या ज्योमेट्री होगी। माना कि एसपी है तो लीनियर होगा, एसपी टू है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, तो यहां बोल रहा है कि डू नॉट इंडिकेट, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिकेट करता है तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, कि केवल हाइब्रिडेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट नेसेसरी। तो हाइब्रिडेशन में हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुली फील्ड भी कर सकते हैं, वैकेंट भी कर सकते हैं, तो यहां बोला कि नॉट नेसेसरी, तो यह स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसका मतलब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए और सी है, तो आंसर आएगा अपना थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द बॉन्ड एंगल आर नॉट क्लोज टू 90, पीएच 3 ड्रेगोस रूल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, सिंपल ओवरलैपिंग से फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसका बॉन्ड एंगल 94 के क्लोज होता है, H2S का बॉन्ड एंगल 92 के क्लोज होता है। SF6 की बात करें तो SF6 में 180 का बॉन्ड एंगल भी है, 90 का बॉन्ड एंगल भी है। CH2F में बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 के क्लोज होगा। तो किसी ने यह पूछा है कि कंपाउंड द बॉन्ड एंगल आर नॉट क्लोज टू 90, तो 90 के क्लोज फोर्थ का नहीं होगा, क्यों, बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 के क्लोज जाएगा, दैट मींस करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, सबसे पहले वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती, O2 के पैरामैग्नेटिज्म को MOT थ्योरी एक्सप्लेन करती है, और MOT बताती है कि इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो है वो एमओ थ्योरी का है, दैट मींस आंसर थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यू नो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ वांडरवाल्स फोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वांडरवाल्स फोर्स, कि जितना स्ट्रॉन्ग वांडरवाल्स फोर्स होगा उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ वांडरवाल्स फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वांडरवाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, दैट मींस मैं बोलूं इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वांडरवाल्स फोर्स का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो फर्स्ट जो कंपाउंड दिया है, हमारे पास दिया है 2-methylpentane, तो ये 2-methylpentane हुआ, सेकंड दिया है 2-3-dimethylbutane, ये 2-3-dimethylbutane हो गया, और जो फोर्थ दिया है 2-2-dimethylbutane, तो थर्ड ऑप्शन दिया है 2-2-dimethylbutane, ये वाला हो गया, फोर्थ दिया है वो दिया है पेंटेन। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, और इसमें 5 कार्बन है, तो मोलिकुलर वेट 6 वाले का बढ़ गया तो वांडरवाल्स फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और 6 में देखें तो यहां 2 की ब्रांचिंग है, यहां ज्यादा स्फेरिकल शेप है, सरफेस एरिया ज्यादा कम हो जाएगा, दैट मींस करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ कंप्लीटली फिल्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बेंजीन C6H6 बेंजीन, तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और ये पूछा है कंप्लीटली फिल्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, दैट मींस करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा।
थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर का मतलब ऑल एटम लाइज इन सेम प्लेन। तो देखो ये जो NiCO4 है ये sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि ये टेट्राहेड्रल हुआ। H2O2 में जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 है, इसका मतलब भी ये टेट्राहेड्रल हुआ। यहां नाइट्रोजन की बात करूं ट्राइमिथाइल एमीन की, तो ये भी sp3 है और ये भी टेट्राहेड्रल हुआ। और टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है। बट इस कंपाउंड की बात करूं I3- का, तो हम इसको ऐसे मान लें कि I2- है। इसका सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3d, और यहां sp3d में ये आई, ये आई, और ये यहां पे आ गए आपके पास तीन लोन पेयर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही प्लेन में आ गया ज्योमेट्री। दैट मींस करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेट। तो ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो नहीं करता? अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो भी फॉलो नहीं करेगा, 8 से कम है तो भी फॉलो नहीं करेगा, ओड इलेक्ट्रॉन है तो भी फॉलो नहीं करेगा। अगर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है तब वो फॉलो कर रहा है, बट अगर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है तब भी फॉलो नहीं करेगा। CO2 कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 थे, 4 ही ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 थे और 4 ही Cl कर रहा है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। CO का भी ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि CO के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो ये बॉन्डिंग हुई, इसके बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो ये जो है वो दोनों तरफ इंक्लूड होंगे। तो अगर इसकी बात करें कार्बन का, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन की बात करें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दैट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगर बात करें Zn+2, तो Zn+2 का जो हुआ वो 3s2 3p6 और 3d10, मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है जो कि 8 से ज्यादा है। इसका मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो कौन नहीं करेगा? तो Zn+2 फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th NCERT का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि तीन पैरामीटर हमें पूछे हैं, डायपोल मोमेंट पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है और बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट से बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और यहां हो गया पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर ऑर्थो की बात करें तो यहां बॉन्ड एंगल 60 का है, यहां बॉन्ड एंगल 120 का है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर यहां आएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, मतलब इसका डायपोल मोमेंट जीरो आने वाला है। तो ये इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट हो गया जीरो। तो अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहां 60 का है, तो कोस थीटा, मतलब कोस 60 की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, यहां कोस 120 की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, यहां कोस 180 की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो यहां से यह पता लग रहा है कि ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा, फिर मेटा, और जो सबसे कम है वो है पेरा वाले का। तो हमें ऑर्थो वाले को दो नंबर बोला है, तो दो का सबसे ज्यादा, तो दो का सबसे ज्यादा आपको इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद दो नंबर पे हमने बोला मेटा का, तो मेटा भी इसमें है, इसमें है, और उसके बाद थर्ड। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो थर्ड को तो हम काट देते हैं, थर्ड का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि थर्ड पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। बाकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पेरा में बेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन होगी, पेरा का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ऑर्थो का, और उसके बाद मेटा का। ये ऑर्डर होता है मेल्टिंग पॉइंट का। और बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो आगे चला जाता है, तो ऑर्थो, पेरा और मेटा, ये ऑर्डर होता है किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। तो सेकंड मेल्टिंग पॉइंट दिया है, तो मेल्टिंग पॉइंट में पेरा, पेरा को हमने तीन नंबर दिया है, तीन नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर ऑर्थो, फिर सेकंड नंबर ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद मेटा होना चाहिए। तो ये अपने पास दोनों में ऑप्शन है, तो मतलब ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये वाला नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा है, तो ऑर्थो सेकंड, सेकंड का इसमें दिया हुआ है, बाकी तो इसका मतलब आंसर शुड बी सेकंड, सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमंग द फॉलोइंग द स्पीशीज व्हिच हैज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की वैल्यू की बात की है, लोवेस्ट वैल्यू, तो NO2- का बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 115 के क्लोज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, NO2+ sp है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 के क्लोज। NO2 की अगर बात करें हम, तो NO2 का बॉन्ड एंगल
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 134 के क्लोज। N2O की बात करें तो N2O जो मॉलिक्यूल है वो N2O ऐसा वाला मॉलिक्यूल है, तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है sp, तो यहां भी बॉन्ड एंगल आने वाला है 180 के क्लोज। हमें पूछा है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल, तो सबसे इसका 134 है, इसका 180 के क्लोज आया, इसका 180 के क्लोज आया, तो लोवेस्ट वैल्यू जो होगी वो होगी फर्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज प्लेनर एंड हैज बॉन्ड एंगल आर 120। तो 120 बॉन्ड एंगल आता है sp2 पे, और sp2 जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है वो प्लेनर स्पीसीज होती है, और बॉन्ड एंगल आएगा यहां पे वो आएगा 120 के क्लोज। bf3 sp2 है, NO3 माइनस sp2 है, CO3 माइनस 2 sp2 है, NO2 माइनस भी sp2 है, और SO3 भी sp2 है, बट NO2 माइनस जो है वो sp2 तो है, बट sp2 के बाद भी इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका शेप जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। और अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि NO2 माइनस जो है उसका बॉन्ड एंगल जो आता है वो 15 के क्लोज आता है, 115 के क्लोज। तो इसका मतलब NO2 माइनस को छोड़ के बाकी सभी स्पीसीज का बॉन्ड एंगल 120 आएगा, और बाकी सभी स्पीसीज प्लेनर है, तो डी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा तो इस डी ऑप्शन में नहीं है, तो थर्ड आंसर है ABCE, तो करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, N2H4 हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ट्राइमिथाइल एमीन। तो आप ये देखें N2H4 ये वाली स्ट्रक्चर हो गई, और ट्राइमिथाइल एमीन ये वाली स्ट्रक्चर हो गई, अब अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किसी एक स्पीसीज के पास लोन पेयर होनी चाहिए और दूसरी स्पीसीज के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहां तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी सेकेंड पीरियड का है, ये भी sp3 है, तो यहां वेकेंट ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी किसी के पास नहीं है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। लोन पेयर प्रेजेंट है बट वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। फिर कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा हो, दोनों ही कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिया, नॉट कंबाइन एज नॉट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इसका मतलब ये दोनों कंबाइन नहीं होंगे, प्राइमरी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इनके बीच डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है, वैसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर जो जाएगा वो फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन ऑन फ्रीजिंग, एनसीईआरटी 11th क्लास हाइड्रोजन वाले चैप्टर में H2O की बॉन्डिंग में सबसे पहले लाइन यही लिखी हुई है कि एट फ्रीजिंग पॉइंट H2O हैव हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब आंसर जो आ जाएगा वो सेकंड जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, दे आर यूजुअली सॉफ्ट, नो डाउट कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो यूजुअली सॉफ्ट ही होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है वो हार्ड होते हैं, दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं, जनरली दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आयंस फ्री नहीं होते, बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट भी नहीं करते हैं, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, नहीं कोवेलेंट कंपाउंड की डेफिनेट शेप होती है, जो भी उसका हाइब्रिडेशन आ रहा है हाइब्रिडेशन उसकी शेप को डिफाइन करता है, तो हमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू होता दे हैव डेफिनेट शेप, ये शेप इनकी डेफिनेट होती है, बट यहां लिखा हुआ है डू नॉट, तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब आंसर जो जाएगा वो फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फेट आयन PO4
माइनस थ्री आयन दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, एक ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 6 × 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है और 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एड है और ये प्लस 3। तो यहां अगर हम देखें तो यहां से ये 8 और टोटल इसका जो आएगा वो 32 आएगा। चेक द ऑप्शन, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर, 32 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2-2। तो अभी मैंने बात की थी कि O2 का MO डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये 2pz, ये 2pz सिग्मा, 2px पाई, 2py पाई, और यहां पे ये 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी बॉन्डिंग और ये 2pz सिग्मा। O2-2 में के टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और ये वाला मैं बोल रहा हूं ये जो है वो है पाई एंटी बॉन्डिंग। तो यहां अगर हमें 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो दो इसमें जाएंगे, 2 × 2 = 4, ये 6, 8, 9, 10, 11, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। हमें पूछा था नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन O2-2, तो पाई एंटी बॉन्डिंग ये हुआ, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं 4, तो आंसर जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल आयन, तो स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले कंपाउंड की ज्योमेट्री चेक करते हैं। ज्योमेट्री में हम देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल होते हैं, फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये मैं बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी, बट यहां मैं देख पा रहा हूं कि ऑलमोस्ट जो है ज्योमेट्री जो है वो ये एपी प्लस 3 में है, सॉरी ये एपी प्लस 2 में है, इसकी बात करें तो ये एपी प्लस 3 में है, ये एपी प्लस 3 में है और ये एपी प्लस 3 में है। मेटल पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी सीएफएससी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सेकंड थर्ड फोर्थ में कॉम्प्लेक्स प्लस 3 में है जबकि फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स प्लस 2 में है। तो हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल आयंस, तो फर्स्ट तो लेस स्टेबल हो गया, बाकी इन तीनों में मेटल प्लस 3 में है, बट यहां पे सीएल है, यहां साइनाइड है और यहां H2 है। अब हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ चेक करें, तो लिगेंड की स्ट्रेंथ में हमें पता है कि CN सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके बाद H2O है और सबसे वीक लिगेंड जो है वो CL है। तो इसका मतलब मोस्ट स्टेबल आयन जो होगा वो थर्ड होगा, थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की बात करें तो देखो BCl3 का डायपोल मोमेंट 0 होने वाला है क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जो इससे क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो डायपोल मोमेंट इसका 0 आने वाला है। हमें बोला है कि करेक्ट अरेंज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, तो BCl3 सबसे पीछे जाना चाहिए, तो BCl3 पीछे यहां पे है, यहां पे है, तो थर्ड और फोर्थ की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब अगर बात करें एक में H2 आगे दिया हुआ है, एक में SO2 आगे दिया हुआ है, तो यहां बाकी NH3 यहां अरेंज है, इसमें भी NH3 यहां अरेंज है। अब H2O और SO2 में हमें देखना है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो यू नो कि जो SO2 है वो ये स्ट्रक्चर रखता है, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 2.5 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है। तो यहां डेल EN का जो डिफरेंस आ रहा है वो पूरा 1 आ रहा है। H2O की बात करें तो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुई 3.5 है और यहां 2.1 है। तो यहां हम ये देख पा रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि H2O का डायपोल मोमेंट SO2 से ज्यादा होगा, दैट मींस करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सब्लिमाइज ऑन हीटिंग, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, AlCl3 की प्रॉपर्टी है, इसको हीट करने पे ये सब्लिमाइज होता है, आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑर्डर ऑफ एवरेज बॉन्ड लेंथ विल बी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहां पे हाइड्रोजन जब बॉन्डेड होता है तो नो डाउट बॉन्ड लेंथ कम होती है क्योंकि हाइड्रोजन का साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है।
यहां हाइड्रोजन से बॉन्डेड जो एटम है बी सी ई, इनकी बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इनसे स्मॉल होगी, बी की सी की और ई की। अब बी सी ई में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी। तो यहां बात करें तो सबसे बड़ा जो होगा HCl, HCl इसलिए हुआ क्योंकि Cl का साइज बड़ा है, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इनकी बॉन्ड लेंथ इधर से ही होगी। कार्बन कार्बन की बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो होती है 154 पिकोमीटर और उसकी होती है 134 पिकोमीटर। तो आंसर जो आएगा सबसे लॉन्गेस्ट होगा कार्बन कार्बन, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद ये वाला। इस बेस पे देखें तो सबसे पहले जो आएगा वो डी आएगा, तो डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन में है। डी के बाद जो आएगा वो आएगा ए आएगा, तो ये सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की बात करें तो यहां पे BF3 का डायपोल मोमेंट तो जीरो आने वाला है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए BF3 का डायपोल मोमेंट जीरो आने वाला है। ये वेल नोन क्वेश्चन है, NH3 और NF3 में से डायपोल मोमेंट जो होता है वो NH3 का ज्यादा होता है। तो हमें यह पता लग रहा है कि BF3 का सबसे मिनिमम है, NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा है। तो BF3 सभी में लास्ट में दिया हुआ है, NH3 का ज्यादा ऑप्शन में एक सेकंड में दिया हुआ है, एक थर्ड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब बात करें NF3 से डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, CH Cl3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। रीजन ये है कि कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और यू नो डायपोल मोमेंट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, और रिजल्टेड डायपोल मोमेंट देखेंगे तो CHCl3 का ज्यादा आएगा। दैट मींस आंसर शुड बी थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल। तो SO2 जो है पहला ऑप्शन है, SO2 में डबल बॉन्ड के बीच रिपल्शन हो रहा है, ओजोन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन हो रहा है। SO2 का बॉन्ड एंगल आता है 119 और इसका बॉन्ड एंगल आता है 117, मतलब SO2 का बॉन्ड एंगल ओजोन से ज्यादा है, तो ये करेक्ट हो गया, फर्स्ट सही है। H2S का बॉन्ड एंगल आता है 90 के क्लोज। अभी पीछे एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था क्योंकि यहां ड्रेगोस रूल अप्लाई हो जाएगा। PH3 का भी बॉन्ड एंगल जो आता है वो आता है 94 के क्लोज, तो यहां H2S का बॉन्ड एंगल PH3 से ज्यादा नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। NO2 माइनस NO2 का बॉन्ड एंगल 134 आता है, पीछे क्वेश्चन सोल्व किया हमने NO2 माइनस का, वहां भी मैंने डेटा बताया है कि इसका 115 आता है। PO4 और SO4-2 दोनों ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो आइडेंटिकल है, तो यहां जो बॉन्ड एंगल आएगा वो इन दोनों का बराबर आएगा। हमें पूछा है चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल, तो SO2 का ओजोन से ज्यादा है, NO2 माइनस का NO2 से ज्यादा नहीं है, ये गलत हो गया, और यहां दोनों का बराबर है, यहां ये दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन आएगा ए और डी, ये अपने पास है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एथीन मॉलिक्यूल। तो एथीन मॉलिक्यूल की मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं कि कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी sp2 है, तीन sp2 है 1 2 3, और इसके पास भी तीन sp2 है 1 2 3, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कार्बन कार्बन बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, तो ये sp2 और ये भी sp2, तो sp2 sp2 ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। टोटल 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी सही है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। pi bond between p orbital which are not used in hybridization, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर जो बॉन्ड p है जिसने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन नहीं लिया, हाइब्रिडेशन एंड आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, बट आप देख पा रहे हो कि sp2 के ये जो ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, ये पाई बॉन्ड बना, बट यहां पे हमें बोला हुआ कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मींस स्टेटमेंट गलत हो गया। द HCH बॉन्ड एंगल इज शॉर्टर देन HCC बॉन्ड एंगल। इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल है
ये वाला बोन एंगल और ये वाला बोन एंगल, तो ये वाला बोन एंगल शॉर्टर होता है और ये ग्रेटर होता है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर देखें तो हमें पूछा है चूज करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए बी और डी थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर अक्स एक्सिस द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो ली है वो ली है एक्स एक्सिस और बोला है कि 1s एंड 2s, तो 1s एंड 1s s ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस पे ओवरलैपिंग कर सकता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये तो बना देगा। 1s एंड 2px वापस s आ गया और साथ में 2px है, तो ये 2px हो गया और इधर से आपका s आ जाएगा, तो यहां भी क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये भी बना देगा। 2py और 2py ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो वो बनाएंगे y एक्सिस पे और हमें दी हुई x एक्सिस पे, तो यहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। 1s इन 2s, अभी मैंने बोला s किसी भी एक्सिस पे ओवरलैपिंग से सिग्मा बना सकता है, तो इसका हमें ये पूछा है नॉट फॉर्म, इसका मतलब आंसर इज थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर इन द मॉलिक्यूल। तो आयनिक करेक्टर की बात करें तो आयनिक करेक्टर जैसे जैसे केटाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी उसमें आयनिक करेक्टर कम होते जाएंगे। तो यहां सबसे पहले बात करते हैं K2O और LiF की, ये प्लस वन में, ये प्लस वन में है, N2 जीरो में है, N2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, SO2 और ClF3, SO2 प्लस फोर में है और ClF3 प्लस थ्री में है। मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसमें कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक करेक्टर कम होंगे, N2 तो प्योर कोवेलेंट है। तो यहां अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहां प्लस वन, यहां प्लस वन, केटायन का साइज बढ़ेगा, आयनिक करेक्टर ज्यादा आएंगे। जस्ट आपको फजांस रूल का अपोजिट सोचना है, क्योंकि फजांस रूल कोवेलेंट करेक्टर को एक्सप्लेन करता है, जहां कोवेलेंट करेक्टर मिनिमम है वहां आयनिक करेक्टर मैक्सिमम है। तो यहां सबसे ज्यादा जो आयनिक करेक्टर होंगे वो K2O में होंगे, फिर LiF में होंगे, फिर Cl+3 प्लस थ्री में है, ये प्लस फोर में है, ये प्योर कोवेलेंट मैंने बोला ही है, आंसर जो आ जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर। आपको चार स्पीसीज दी हुई है, इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है और मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट देख लेते हैं, O2 के पास जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 प्लस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस 2 के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। 16 जो है वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आएगी, 15 वाले के पास 1 आएगी और 17 वाले के पास भी 1 आएगी और 18 वाले के पास 0 आएगी। इसका मतलब दो स्पीसीज का अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आने वाला है। इसका मतलब O2 प्लस और O2 माइनस का मैग्नेटिक मोमेंट सेम आने वाला है। तो सेम आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं होंगे, थर्ड और फोर्थ में से कोई एक आंसर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट सेम दिया है, तो या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। सेकंड स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में जो O2 है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2, O2 प्लस जो है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1.5, O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर आया 2, O2 का आया 1.5 और O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा, O2 माइनस की बात करें तो O2 माइनस के इलेक्ट्रॉन हो गए 17 का मतलब हो गया 14 15 16 और 17, यहां पे होता है 3, यहां पे होता है 2.5, तो ये 2.5 आएगा और ये वाला बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1.5 और O2 माइनस 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 18 पे वो आएगा 1। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है 2, 2.5, 1.5 और 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का, तो O2 प्लस मैक्सिमम स्टेबल होगी। तो इस ऑर्डर को देखिए आप, तो आंसर जो जाएगा वो फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट, YZ plane contain all the atom of formaldehyde, तो H, C, H और ये double bond O। बोल रहा है कि सभी जो एटम है वो Y और Z plane में है,
वाई जेड प्लेन का मतलब ये जो कार्बन है वो एसपी टू हाइब्रिडाइज हुआ, और एसपी टू में जो दो पी पार्टिसिपेट हुए हैं वो पी वाई और पी जेड पार्टिसिपेट हुए हैं। फिर बोल रहा है फाइंड द नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इन फॉर्मेल्डिहाइड, तो पाई बॉन्ड जो बना रहा है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा पी अक्स और यहां इनसे बनेगा ये पाई बॉन्ड। तो ये वाली जो प्लेन है ये वाली इस पाई बॉन्ड की नोडल प्लेन है, तो ये पी एक्स ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो नोडल प्लेन हमारी जा रही है ये वाली नोडल प्लेन कौन सी होगी, वाई और जेड, तो नोडल प्लेन जो होगी वो वाई जेड होगी। दैट मींस करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बोकेटाइन आर अनस्टेबल हाई एनर्जी आयन दैट कंटेन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, सिलेक्ट करेक्ट अबाउट दिस कार्बोकेटाइन। तो ये जो कार्बोकेटाइन है वो ये है सी एच थ्री सी एच थ्री और ये सी एच थ्री और ये पॉजिटिव, तो ये कार्बोकेटाइन तो हुआ एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन और ये जो कार्बन हुआ वो हुआ एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। तो बोला ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैव डिफरेंट ओवरलैपिंग, तो आप देख पा रहे हो जितना भी हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्डेड है वो सब एसपी थ्री, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये वाला हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है कार्बन हाइड्रोजन वो बना है एसपी थ्री और 1s ओवरलैपिंग से, सब में सेम है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि सेलेक्ट करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ऊपर यहां बोल रहा है डिफरेंट ओवरलैपिंग तो गलत हो गया क्योंकि डिफरेंट ओवरलैपिंग नहीं है। ऑल कार्बन एटम हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, नहीं, एक का sp2 है बाकी अदर तीन का sp3 है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव सेम ओवरलैपिंग, तो देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है sp3 sp2 है sp3 sp2 है sp3 sp2 है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड हैव सेम ओवरलैपिंग, स्टेटमेंट सही हो गया। ऑल कार्बन एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट, तो इसका देखें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, टू इलेक्ट्रॉन यहां पे है टू यहां पे है टू यहां पे है, तो टोटल इसके पास सिक्स ही इलेक्ट्रॉन हुए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया, मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन इन डायमंड ग्रेफाइट, इजी सा क्वेश्चन है, ये अलग अलग कंपाउंड दिए हुए हैं, तो यू नो इसका होता है sp3, इसका होता है sp2, फुलरीन में भी sp2 और एसिटाइलिन में होता है sp, तो sp3 sp2 sp2 और sp, करेक्ट आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकेस्ट इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट होता है कि ए एटम से ये एच बॉन्डेड है, इस एस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आएगा ये उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज डिपेंड करेगा कि ए कैसा एटम है, मतलब ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ी है तो इस एच पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो हम यहां देखें कि यहां एच फ्लोरीन से बॉन्डेड है इस पे पॉजिटिव आया है, यहां फ्लोरीन से बॉन्डेड है इस पे पॉजिटिव आया है, यहां ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और यहां नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। हम ये देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मिनिमम है, अगर मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो इस एच पे पॉजिटिव चार्ज मिनिमम आएगा और ये मिनिमम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, मतलब वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एज वी मूव डाउन द ग्रुप कोवेलेंट करेक्टिविटी डिक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज एंड थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए और कोवेलेंट करेक्टिविटी डिक्रीज होने चाहिए, तो वो किन के लिए ये स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले एल्कली मेटल की बात करें, तो एल आई एफ से सी एस एफ की तरफ गया तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई है क्योंकि लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुई तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो पहला कोवेलेंट करेक्टर भी डिक्रीज हुआ है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, बट हमें देखो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसका आने का कोई मतलब नहीं है। कार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल, अब अगर बात करें Li2CO3 से CH2CO3 की तरफ जाऊं तो कार्बोनेट में इधर से इधर जा रहा हूं तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, मतलब कोवेलेंट करेक्टर वो हो रहे हैं डिक्रीज, और कोवेलेंट करेक्टर यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो हमें पहले सबसे पहले कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज सही है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और सोल्युबिलिटी फर्स्ट ग्रुप में कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होती है, तो कार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल आएगा।
फिर सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो सेकेंड ग्रुप में सोल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है, बट हमें सोल्युबिलिटी की बात कर रहा है इंक्रीज की, तो इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। CO3-2 और NO3- में कार्बन से नाइट्रोजन गया, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो फर्स्ट ऑर्डर पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ का सही है। यहां भी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट हो गया, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो ये लेफ्ट टू राइट हो गया, तो यहां भी पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये भी सही है। BF3, BCl3, BBr3, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे बेक बॉन्डिंग से, इसमें बेक बॉन्डिंग जो होगी वो होगी 2P2P बेक बॉन्डिंग, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसमें जो बेक बॉन्डिंग होगी वो होगी 2P3P और इसमें जो बेक बॉन्डिंग होगी वो होगी 2P4P, तो यहां भी ऑर्डर सही है। AlCl3 और BCl3 में देखिए आप, एल्यूमिनियम के साथ अगर बेक बॉन्डिंग होती है तो यहां होगी 3P3P बेक बॉन्डिंग और यहां होगी 2P2P, और 2P2P बेक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये गलत है। हमें पूछा करेक्ट ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में सही है, आंसर जो जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपाउंड नोट शो पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है कि कंपाउंड मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो CU यहां है +2 में, +2 के साथ SFL दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग फिल अगर हम भरेंगे तो CU+2 का मतलब 3D9 और 9 इलेक्ट्रॉन पेयर कभी नहीं हो सकते, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। NO के पास बात करें तो NO के पास भी अनपेयर्ड है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी आएगा, ये भी आएगा। AgNH3 तो यहां Ag+ में है, 3D10 कॉन्फिगरेशन हो गया, तो यहां 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। NO2 के पास ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसके पास भी आएगा। KO2, ये KO2 जो दिया हुआ है वो सुपरऑक्साइड दिया हुआ है, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। Na2O2- परऑक्साइड दिया हुआ है, O2-2, इसके पास 0 होता है। तो हमें पूछा है कि कितनी स्पीसीज पैरामैग्नेटिज्म शो करेगी, तो फर्स्ट शो करेगी, ये शो करेगी 1, 2, 3 और 4, तो आंसर जो जाएगा वो हमारे पास, बात करें कि हाउ मेनी कंपाउंड नोट शो पैरामैग्नेटिज्म, ये पूछा है, तो कौन से शो नहीं करेंगे, तो हमारे पास सी और एफ ये दोनों ही कंपाउंड नहीं करे, मतलब दो कंपाउंड पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले से जो कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि कंडीशन बोली हुई है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है विथ DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां से जो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा PtNO2 पीरिडीन और NH3 और यहां दिया हुआ है NH4OH और साइड में आएगा NO2, डेफिनेटली NO2 बाहर ही आएगा, तभी प्लेटिनम आपका +2 का कॉम्प्लेक्स आएगा। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन बोला है, कॉम्प्लेक्स हो गया अपना MABCD टाइप, और MABCD टाइप में अगर बात करें तो यहां पे टोटल GI जो बनते हैं वो बनते हैं 3, बट हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, उसने बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो 3 तो तब है, ये 3 कब बनेंगे, जब नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो, ये कब है, व्हेन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, और 3 और बनेंगे जब बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, क्योंकि हमें जो NO2 जो है वो फिक्स करके नहीं दिया हुआ है, यहां पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो NO2 जो है वो एम्पीडेंटेड लिगेंड है, नाइट्रोजन से भी बॉन्डेड हो सकता है, ऑक्सीजन से भी बॉन्डेड हो सकता है, तो टोटल 3 बनेंगे जब नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, 3 बनेंगे जब ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इस फॉर्मूले पे टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, उनकी 2 पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब टोटल जो बनेंगे वो 6 बनेंगे, करेक्ट आंसर जो आएगा वो थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा भी स्टीरियो का अगर नॉलेज है तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्टीरियो आइसोमर। आपको ये कुछ पोजिशन दी हुई है कि एक नंबर इसको बोला है, ये पोजिशन के नंबर गिवन है। बोला इन द सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एम ए फोर बी टू द टू लिगेंड ऑक्यूपाई द पोजिशन 1, 2 एंड 1, 6 रेस्पेक्टिवली। तो 1, 2, 90 मतलब सिस हो गया, और 1, 6 ये 1, 6 ये 1, 80 मतलब ट्रांस हो गया। और यही बोला हुआ है कि सिस और ट्रांस में 1, 2 और 1, 6 रेस्पेक्टिवली आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन को, चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन को, चेक करें तो द फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एम ए थ्री बी पजेज 3 आइडेंटिकल लिगेंड ए और बी एट पोजीशन 1, 2, 3। तो आपको पहले यह क्लियर कर देता हूं कि फेशियल पे 3 आइडेंटिकल लिगेंड नाइन्टी पे आएंगे, फेशियल में 3 आइडेंटिकल लिगेंड 90 पे आएंगे, और यहां बोला हुआ है पजेज 3 और मेरिडोनियल में 1, 2, 6। तो आप देखें यहां पे बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स दिया आपको ए थ्री बी थ्री, तो ए ए ए ये तीनों 90 पे हो गए, बाकी रिमेनिंग है वो बी बी और बी यहां हो गए। पहले बोला है 1, 2, 3 पे मैंने अरेंज कर दिया, और यहां तो जब 1, 2, 3 पे अरेंज किया, एक बार वापस से चेक करते हैं अपन इसको कि यहां पे 1, 2, 3 पे अरेंज किया ए ए ए तब ये बन गया फेसियल। 1, 2, 6 पे अरेंज करता हूं तो 1, 2, 6 पे अरेंज करूंगा तब ये बन जाएगा मेरिडोनियल। ये 1 यहां बी बी और ये बी, ये बन जाएगा मेरिडोनियल। तो एकदम सही इंफॉर्मेशन है। फेसियल का मतलब होता है 3 आइडेंटिकल लिगेंड आर 92 ईच अदर, मेरिडोनियल का मतलब होता है कि 2 लिगेंड 180 पे होना चाहिए और 1 90 पे होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शुड हैव 6 स्टीरियो आइसोमर, ये 6 स्टीरियो आइसोमर ओनली ज्योमेट्रिकल रखेगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर जो बनेंगे वो 12 बनेंगे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। द फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर ओपन एम ए थ्री बी थ्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर बोथ ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों ही आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आएगा थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोडियम हाइड्रिडो ट्राइमेथोक्सी बोरेट प्लस 3 में होना चाहिए, तो प्लस 3 की बात करें तो यहां तो इस कॉम्प्लेक्स को मतलब नहीं है कि 4 बोरोन दे रखे हैं, तो बोरोन हमें एक ही है, टेट्रा बोरेट लिखा होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। Na2 इसमें अगर बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेट नहीं होगी, प्लस 3 में यह भी नहीं होगा, मतलब आंसर जो जाएगा वो फोर्थ जाएगा जो प्लस 3 में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं आसानी से। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉर द कॉम्प्लेक्स, तो En की अगर निकालें तो पैलेडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 46। लिगेंड जो डोनेट करेगा, एक मोनोडेंटेड लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो टोटल 6 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है तो माइनस 4 कम हो जाएगा, और आप टोटल निकालोगे तो 54 आएगा, मतलब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 54। द कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe+H2+NO, यू नो वेल नोन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का नाम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और इसका जो एनओ होता है वो प्लस 1 वाला होता है। Fe इज इन द प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इस एनओ को प्लस 1 में मानू तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो प्लस 1 आएगी, तो पहले वाला तो गलत हो गया। Fe इज इन द प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट, ये भी गलत हो गया। Fe इज प्लस 1 ऑक्सीजन स्टेट एंड NO कोऑर्डिनेट एज NO प्लस, ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर जो जाएगा वो थर्ड जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी रिगार्डिंग ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो अगर किसी स्पीसीज के पास 8 से कम है तो भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगी, 8 से ज्यादा है तो भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगी। LiCl कोवेलेंट, BeS2 कोवेलेंट, BCl3 कोवेलेंट, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीनों ही स्पीसीज का सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। इन नाइट्रिक ऑक्साइड NO ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम, सभी एटम का ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता,
ये भी सही है. इट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के शेप के लिए वीबीटी आई थी, ऑक्टेट रूल मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन नहीं करता. हमें पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में बोला इन एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. मैं बोल रहा हूं कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता ही नहीं है, तो ये थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड. ओवरलैपिंग बेस्ट देखेंगे, तो यहां जो ओवरलैपिंग हुई है वो 1s3p ओवरलैपिंग हुई है, यहां 3p ओवरलैपिंग हुई है, यहां 2p 3p ओवरलैपिंग हुई है, और ये तो बॉन्ड ही कौन सा बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया. तो जहां सबसे स्मॉल साइज है वहां स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगी. हमें पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड HCl इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, CuSO4 5H2O R. यू नो कि ये कॉम्प्लेक्स है और वेल नोन कॉम्प्लेक्स है, ब्लू विट्रोल इसको बोलते हैं, CuH2O4 और ये SO4. इट हैव ऑल टाइप बॉन्ड. नहीं, ऑल टाइप बॉन्ड में तो मेटालिक बॉन्ड भी कंसिडर होता है. हाँ, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, H2O कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, SO4 यहां +2 है -2 है, यहां आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, साथ के साथ एक जो H2O है वो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी प्रेजेंट है, बट कंपाउंड में मेटालिक बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इट डू नॉट हैव ऑल टाइप बॉन्ड, गलत स्टेटमेंट है. इट इज ए स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, DSP2 हाइब्रिडेशन आता है, तो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, ये स्टेटमेंट सही है. इट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये वाला गलत है, और पूछा है 1 and 2 बोथ, तो वो दोनों गलत है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो आ जाएगा वो जाएगा सेकंड. हमें पूछा है कि इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CuSO4 5H2O. सॉरी, ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये इसका हाइब्रिडेशन जो आएगा वो हाइब्रिडेशन जो आएगा इसका sp3 आएगा. इट इज sp3, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, टेट्राहेड्रल, ये स्टेटमेंट सही है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि H2O वीक लिगेंड है और वीक फिल्ड लिगेंड है, तो आपको हुंस रूल को फॉलो करते इलेक्ट्रॉन बनने, sp3 आएगा, तो आंसर जो जाएगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CuSO4 5H2O. तो पहला इनकरेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, आंसर जो जाएगा हो जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो O2 की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1 to 1 picometer. H2O2 की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1 to 4 picometer. ओजोन की NCERT में गिवन डेटा है 128 picometer. O2F2 की जो होती है वो होती है 1 to 2 picometer. इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है. H2O2 और O2F2 में आप कंपेरिजन कर सकते हैं बेंड टूल से. तो उस बेस पे अगर हम देखें तो H2O2 का सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास ओजोन, उसके बाद O2F2 और उसके बाद O2. थर्ड इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज फेवर्ड टू. तो इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब हुआ आयनिक बॉन्ड. तो हम जस्ट फजान्स रूल में, फजान्स रूल कोवेलेंट करेक्टर के बारे में बताता है. फजान्स रूल ये बोलता है कि केटाइन स्मॉल साइज, एनाइन लार्ज साइज, बोथ हैव हाई चार्ज डेंसिटी. तो अगर यहां बात करें तो ये कंडीशन है कोवेलेंट करेक्टर के लिए, तो आयनिक करेक्टर के लिए जस्ट इसकी अपोजिट कंडीशन हो जाएगी. केटाइन का साइज बड़ा होना चाहिए, एनाइन का साइज स्मॉल होना चाहिए, तो और दोनों पे चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए. तो सेकंड ऑप्शन देखें तो लो पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज साइज ऑफ केटाइन एंड स्मॉल साइज ऑफ एनाइन फेवर टू इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो आंसर जो जाएगा वो थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CO2 इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद HgCl2 की बात करें तो sp है और CO2 खुद भी sp है, C2H2 sp है. SnCl2 की बात करें तो ये sp2 है, ZnCl2 sp है, तो सेकंड जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज, स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड की बात करें तो यहां ओवरलैपिंग हुई है वो हुई है 2p2p, यहां ओवरलैपिंग हुई है वो भी 2p2p, यहां ओवरलैपिंग हुई है वो भी 2p2p, बट यहां ओवरलैपिंग हुई है 2p1s, 1s का मतलब साइज बहुत छोटा है, स्ट्रोंग ओवरलैपिंग होगी, इसका मतलब स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड जो होगा वो होगा सेकंड, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एफ हुंड एंड आर एस मुलिकन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डेवलप किया था, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट द एन टू एंड ओ टू बीइंग कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायन एन टू माइनस एंड ओ टू माइनस रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो देखें, एन टू जो है एन टू से आप गए एन टू माइनस, तो एन टू का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो था 3.0 और यहां बॉन्ड ऑर्डर जो है वो घट के हो गया 2.5। ऐसे ही आप O2 से O2- की तरफ जा रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर यहां था वो था 2.0 और यहां जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो हो गया 1.5। N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, N2- के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। O2 ऑलरेडी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास और यहां पे जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट यहां पे इस केस में वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहां भी वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन देख करते हैं, इन N2 माइनस से NN बॉन्ड वीकर, इन N2 माइनस NN बॉन्ड वीकर, डेफिनेटली NN बॉन्ड वीकर हुआ है क्योंकि पहले बॉन्ड ऑर्डर 3.0 था फिर 2.5 है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर इन O2 माइनस O बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो नहीं हुआ, O बॉन्ड इंक्रीज नहीं हुआ, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ 1.5 हुआ, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। इन O2 माइनस O बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, ये स्टेटमेंट सही है। N2 माइनस बिकम पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बना है, पहले 14 जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उसके बाद एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये भी सही है। तो जो आंसर जो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवी वॉटर, हेवी वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट जनरल वॉटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है, तो जो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अक्स ई ओ फोर, तो अक्स ई ओ फोर का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा एस पी थ्री डी टू और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी स्क्वायर पिरामिडल, इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी स्क्वायर पिरामिडल। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम इज वन, तो आप देखें जीनोन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला बनेगा और ये एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। द पेयर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डीजेड स्क्वायर, तो हाइब्रिडाइजेशन बोला एसपी थ्री डी टू, तो ये दोनों ही इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज कलर्ड वोलेटाइल लिक्विड, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कलर्ड नहीं होता है, ये होता है कलरलेस, एनसीईआरटी पी ब्लॉक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हैव ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, हम देख पा रहे हैं स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, तो ये भी गलत है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, इनकरेक्ट, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी एंड डी, करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर जो है तो आप सबको पहले पता होना चाहिए कि जो टर्मिनल बॉन्ड एंगल है वो 120 का होता है, इसमें 121 है, ये गलत हो गया, इसमें 120 है ये पॉसिबिलिटी है, इसमें 120 है ये पॉसिबिलिटी है। अंदर वाला जो बॉन्ड एंगल है वो परफेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होता है, 97 होता है, तो 97 इसमें और इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं यहां पर, हमें यह पता है कि टर्मिनल बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है कंपेरेटिव टू ब्रिज बॉन्ड लेंथ, तो यहां ब्रिज बॉन्ड लेंथ है 134, यहां टर्मिनल बॉन्ड लेंथ है 119, जबकि इसमें अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव एन टू ऑन हीटिंग, तो इनका हीटिंग इफेक्ट पता होना चाहिए, इसको हीट करोगे तो बनेगा के एन ओ टू और ओ टू, एन एच फोर एन ओ टू को हीट करोगे तो बनेगा एन टू प्लस टू एच टू ओ, NaN3 को हीट करोगे तो बनेगा Na और N2, एजाइड को हीट करने पे नाइट्रोजन आता है,
अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो भी N2 बनेगा। तो थर्ड में N2 बन रहा है, सेकंड में N2 बन रहा है, फोर्थ में N2 बन रहा है, फर्स्ट में N2 नहीं बन रहा, हमें ये बोला है कि डज नॉट गिव N2, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ NO इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो NO की स्ट्रक्चर अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ओवरलैपिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, बट इसके पास जो एक जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास भी रहता है और ऑक्सीजन के पास भी रहता है, तो जो दूसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर जो जनरेट होगी वो होगी ऑक्सीजन, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज हो सकता है, और ये एन और इधर दो हो सकते हैं। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास है, ऐसी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास है थर्ड ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्मा बॉन्ड इन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज फॉर्मड बाय द ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ द टाइप, सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप ये वाला हुआ, ये भी sp2 होता है और ये भी sp2 होता है अकॉर्डिंग टू MOT थ्योरी। तो अगर बात करें इस कार्बन के पास तीन sp2 है, 1 ये 2 और ये 3, इस ऑक्सीजन के पास भी तीन sp2 है, ये 1 ये 2 और ये 3, यहां कार्बन और यहां ऑक्सीजन, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो बना है sp2 ओवरलैपिंग से, तो जो करेक्ट आंसर जो जाएगा, मोर करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन का डाइपोल मोमेंट हाइड्रोकार्बन है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर नेचर का होता है, साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है और 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइओन दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओन, तो 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओन इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। इन दोनों में बात करें तो यहां केवल एक डायरेक्शन में डायपोल जनरेट हो रहा है जबकि यहां पे दो डायरेक्शन में डायपोल जनरेट हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम डायपोल मोमेंट जो आएगा वो आएगा 1,2 साइक्लोहेक्सेन डायोन का, आंसर शुड बी थर्ड। नेक्स्ट है, इन विच द फॉलोइंग स्पीशीज डज द सेंट्रल एटम बियर फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आप एनसीईआरटी से देखें, इसमें ये वाली जो स्पीशीज है इसके पास -1 चार्ज है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड। इन विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम अरेंज इन लीनियर शेप, ऑल एटम अरेंज इन लीनियर शेप, तो साइनोजन जो है वो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन और ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, सभी एटम एक ही लाइन में अरेंज हैं। कार्बन सब ऑक्साइड C3O8 फॉर्मूला होता है, तो यहां भी सभी, ये भी एसपी 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 सभी एसपी है, तो ये भी पूरे एक ही चेन में अरेंज है। बेंजीन में लीनियर एटम नहीं है सभी, क्योंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है तो इसमें नहीं है। AgNH3 में सभी एटम नहीं है, इसका अगर पॉलीहेड्रा चेक करें तो वो तो लीनियर है बट सभी एटम एक ही लीनियर नहीं है, केवल नाइट्रोजन एजी और नाइट्रोजन ही है, ये sp3 हो गया, इसलिए हमें पूछा है कि फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम अरेंज इन लीनियर शेप, तो ए और बी दोनों लीनियर शेप में अरेंज है, तो जो आंसर जाएगा वो सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, रिएक्शन दी हुई है, ये कंपाउंड जो है ब्लू विट्रोल है, ये ब्लू कलर का होता है, NH3 के साथ रिएक्शन करेगा डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, इट इज लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जी हां H2 बाहर गया है NH3 उसके साथ आया है तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। NH3 इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हाइल H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखें तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यह स्टेटमेंट भी सही है। ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज चेंज इन कलर फ्रॉम लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू, ये तो मैं पहले ऊपर बोल चुका हूं कि वो ब्लू है ये डार्क ब्लू है, ये भी स्टेटमेंट सही है। CuNH3+ है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, नहीं टेट्राहेड्रल नहीं रखता ये, इसका DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया और हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट ट्रू फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द आईपैक नेम ऑफ फॉर दिस कंपाउंड, तो यहां ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका आईपैक नेम हमें करना है, कंपाउंड है ये वाला, तो देखिए तो बेरियम यहां 1 चार्ज है तो इस स्पीसीज पे BrF4- इधर ये एनायनिक
स्पीसीज हो गई और इधर बी ए प्लस टू ये कैटाइनिक स्पीसीज हो गई। अब अगर कंपाउंड का नेमिंग करें तो सबसे पहले लिगेन का नाम लिखा जाए, कैटाइन का नाम लिखा जाएगा, तो कैटाइन हमारे पास बेरियम है, उसके बाद चार फ्लोरीन दिए हुए हैं तो टेट्रा फ्लोरो, फिर उसके बाद एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसलिए ब्रोमेट हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका है वो प्लस थ्री में आ रहा है, तो आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। आपको छह स्ट्रक्चर दी हुई है, इनका आपस में रिलेशन के बारे में बात की है। पहला बोला है कि फर्स्ट एंड फोर आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो हम देखते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर ये वाली है और फोर्थ स्ट्रक्चर ये वाली है। स्ट्रक्चरल आइसोमर डेफिनेटली स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्योंकि यहां ये नाइट्रोजन 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 से बॉन्डेड है, जबकि इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहां ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो लिंकेज आइसोमरिज्म हो गई, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड बोला है फर्स्ट एंड थर्ड नोन एज फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट में तीन जो आइडेंटिकल लिगेंड है वो 90 पे है NO2, और यहां भी ये तीन आइडेंटिकल 90 पे है, तो ये फेसियल स्ट्रक्चर हो गई। फिर थर्ड बोला है कि मेरिडोनियल, थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो थर्ड स्ट्रक्चर में ये दो 90 पे है, एक वन, ये दो 180 पे है, यहां भी 90 पे, तो ये भी मेरिडोनियल हो गई, तो बी भी इसका सही आंसर है। फिर बोला है फोर्थ फाइव एंड सिक्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो फाइव की बात करें तो फाइव स्ट्रक्चर ये है, सिक्स स्ट्रक्चर ये है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आप देखें यहां पे ये दो जो सीएल है वो 90 पे हैं, यहां भी दोनों क्या है 90 पे हैं, दो एनएसरी यहां 180 पे हैं, यहां भी 180 पे हैं, दो एनएसरी यहां 90 पे हैं, यहां भी 90 पे हैं, तो आइसोमर तो हुआ नहीं है। बोथ आर आइडेंटिकल, मतलब फाइव और सिक्स आइडेंटिकल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर बोला है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइव एंड सिक्स आर आइडेंटिकल, फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो तीन एनओ टू जो है वो 90 पे है, तो यहां भी तीनों एनओ टू 90 पे है और तीनों जो अमोनिया है वो भी 90 पे है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल है। फाइव और सिक्स की बात करें तो अभी मैंने बोला दोनों आइडेंटिकल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब देखते हैं हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए बी डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं कि मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन और कार्बन जो है वो पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होना चाहिए। तो फेरोसिन जो है, फेरोसिन की स्ट्रक्चर ये वाली होती है, तो इसमें इस रिंग से आयरन जुड़ा हुआ रहता है, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये। तो फिर बोला है टेट्रा कार्बोनिल निकिल, तो निकिल और ये CO4, यहां भी मेटल जो है वो कार्बन से बॉन्डेड है, कार्बोनिल को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर किया जाता है। जिसे सोल्ट में भी जो मेटल है वो इस लिगेंड से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटाडाइन ये हुआ, ये केवल हाइड्रोकार्बन है, यहां मेटल है ही नहीं। हमें पूछा नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो थर्ड इसका सही आंसर है, थर्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, H plus is very reactive and cannot exist freely aqueous solution. स्टेटमेंट सही है क्योंकि H plus H2O में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो H3O plus फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H plus free acid में एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टेटमेंट सही है। H plus bond to the oxygen atom of solvent water molecule to give trigonal pyramidal hydronium ion. तो अगर वॉटर की बात करें, इसका ऑक्सीजन और ये H plus ये अपने इसको लोन पर दे देगा और बनाएगा OH, H और ये H3O plus जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, और इस हाइड्रोनियम आयन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसकी जो शेप आएगी वो आएगी ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकते हो या पिरामिडल बोल सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। H3O species detected in many compound, for example H3OCl- in the solid state. जी हाँ, H3O plus जो है वो Cl- के साथ आयनिक बॉन्ड से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर बोला है H7O4 plus is example of hydrated hydroxyl ion. नहीं, hydroxyl ion बोला है, तो hydroxyl ion में OH- से जब H2O bonded होता है तब hydrated hydroxyl ion बनता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो hydroxyl ion का नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है या पॉजिटिव है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर जो जाएगा वो फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
विच अ कॉम्प्लेक्स है डाई ब्रोमिडो बिस इथाइलिन डाई एमिन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड आईपेक नेमिंग। आपको कंपाउंड दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है, नेमिंग दिया है, उसका फॉर्मूला आपको बनाना है। तो जो एलिमेंट जो मेटल दिया है वो दिया है क्रोमियम, उसके बाद दिया है डाई ब्रोमो मतलब बी आर टू होना चाहिए, बिस इथाइलिन डाई एमिन मतलब इथाइलिन डाई एमिन टू होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बोला है बाहर जो है वो ब्रोमाइड होना चाहिए मतलब यहाँ पे बी आर होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि वाकई में क्या क्रोमियम इस कॉम्प्लेक्स में प्लस थ्री में आ रहा है क्या। तो अगर बात करें तो ऑलरेडी क्रोमियम प्लस थ्री में आ रहा है, तो यही फॉर्मूला इसका हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करें तो सी आर ई एन टू बी आर टू बी आर, ये वाला थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जीरो हैज ए सीओ सीओ बॉन्ड ब्रिज्ड बाय, तो ऑक्टा कार्बोनिल ये सीओ टू सीओ और ये एट, और पूछा इसमें ब्रिज कार्बोनिल कंपाउंड बॉन्ड कितने हैं। तो यहां ये कोबाल्ट और इस कोबाल्ट के बीच में ये मेटालिक बॉन्ड होता है, बाकी यहां पे दो सीओ ब्रिज के रूप में होते हैं, बाकी जो अदर सीओ है ये सीओ और इधर भी ये सीओ, तो दो सीओ जो है वो ब्रिज के रूप में रहते हैं। हमें ये पूछा है कि बॉन्ड ब्रिज्ड बाय, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा टू सीओ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, तो पहले रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ई बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा होता है। यहां अपना ई जो है वो सी एफ एस ई है स्प्लिटिंग, तो डेल ओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा एब्जॉर्ब्ड। तो सबसे पहले डेल ओ की, अगर डेल ओ का वैल्यू हमें पता लग जाए तो हम लेमड़ा एब्जॉर्ब की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल ओ का पता लगाएं तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो प्लस टू में है, बाकी ये कॉम्प्लेक्स प्लस थ्री में है, और ये कॉम्प्लेक्स भी प्लस थ्री में है, और ये कॉम्प्लेक्स भी प्लस थ्री में है। तो डेल ओ प्लस थ्री का ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू प्लस टू। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो यहां देखें तो यहां स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है साइनाइड, यहां सिक्स एन एस थ्री, यहां फाइव एन एस थ्री और एच टू ओ। तो डेल ओ का ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा फोर्थ का, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद सेकंड का, और सबसे कम आएगा फर्स्ट का। बट हमें पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, सेकंड का, फिर थर्ड का, उसके बाद फोर्थ का। तो देखते हैं ऑप्शन कहां दिया हुआ है कि फर्स्ट का सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड और फिर फोर्थ, मतलब आंसर जो जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपाउंड ऑफ पीटीसीएल 4 2HCl एंड पीटीसीएल 2NH3 हाउ मेनी मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा H2PtCl6। यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा PtNH3 का होल ट्वाइज और Cl2 का होल ट्वाइज। इन दोनों ही कंपाउंड में अगर देखें तो ये भी AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहां पे कोई एनायन प्रेजेंट नहीं है, और इसकी बात करें तो ये भी AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हमें पूछा है हाउ मेनी मोल ऑफ AgCl, तो दोनों ही केस में जीरो मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर इज कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड ऑफ एनसीईआरटी एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप है, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए जो आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विवेलेंट कांस्टेंट फॉर द CuNH3+ आयन गिवन बाय द β4। सबसे पहले बात करें कि β4 है क्या। β4 है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, β4 जो है वो है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। हमें पूछा है डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू β4, β4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो अगर वैल्यू पुट अप करें तो 1/2.1×10^13, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर जाएगा वो सेकंड आएगा, तो आंसर शुड बी सेकंड, और सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिमिटेशन ऑफ सीएफटी, तो सबसे पहले अगर बात करें वार्नर थ्योरी आई, उसके बाद वीबीटी आई, उसके बाद सीएफटी आई, और उसके बाद जो करंट थ्योरी है वो एमओटी और एलएफटी। तो सीएफटी में जो भी लिमिटेशन थी वो सारी एक्सप्लेन हुई एलएफटी और एमओटी के द्वारा। तो आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी एंड इमाइल्ड आर रेस्पेक्टिवली, ये भी एनसीईआरटी से है। आप देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो वहां पे रूबी और इमाइल्ड दोनों का फॉर्मूला दिया हुआ है। जो रूबी जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स है Cr+3Al2O3 का, और जो इमाइल्ड है वो Cr+3Be3Al2Si6O18 का। तो जो आंसर जो है वो इसका थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिमिटेशन इज नॉट करेक्ट अबाउट वीबीटी। वीबीटी में बहुत सारी लिमिटेशन थी, तो कौन सी लिमिटेशन उसके लिए सही नहीं है। इट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ एजम्पशन, बहुत सारे एजम्पशन थे, तो ये बात तो सही है। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, मैग्नेटिक डाटा के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, ये इंफॉर्मेशन भी सही है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डिस्टिंग्विश सीएफटी ने किया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी के बारे में, कलर प्रॉपर्टी के बारे में वीबीटी ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट जो है ये नॉट करेक्ट पूछा है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स आर रेस्पेक्टिवली, तो यहां वेल नोन कॉम्प्लेक्स है CO+3 में है, और CO+3 में है ऑक्सीलेटो, यहां पे लिगेंड है, ये SFL का काम करता है इस कंपाउंड में, और यहां CO, यहां भी CO+3 में फ्लोरीन जो है वो वीक फिल लिगेंड का काम करेगा। तो CO+3 में इसका मतलब सभी जो D6 है आपके पास वो सभी इलेक्ट्रॉन पेड है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेड, यहां सभी इलेक्ट्रॉन पेड है। तो यहां जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा D2SP3। हम ये देख पा रहे हैं कि जो D है वो इनर ऑर्बिटल वाले हैं, तो ये तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आगे से आपके पास एक S और 3 P और आगे वाले 2 D काम में आएंगे। यहां से हाइब्रिडेशन जो आएगा वो आएगा SP3D2। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है वो सेकंड दिया हुआ है, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछा हुआ है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी में दिए, उसको चेक करें, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर आर पॉसिबल इन CONH3 इंक्लूडिंग दिस आइसो कॉम्प्लेक्स, इसको इंक्लूड करते हुए कितने पॉसिबल आइसोमर हैं। तो आप देखें कि अगर इस कॉम्प्लेक्स, इसको हम बात करें तो दोनों ही, ये भी प्लस थ्री में कॉम्प्लेक्स है और ये भी प्लस थ्री में कॉम्प्लेक्स है। जो फर्स्ट वाला जो है उसमें NH3 लिगेंड है, उधर से अगर लिगेंड एक्सचेंज होगा तो इसमें CN आएगा, उधर CN ऑलरेडी है, NH3 उधर जाएगा तो इधर NH3 आएगा। जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, जो गिवन कंडीशन है, 6 NH3 है फर्स्ट कंपाउंड में, यहां 0 साइनाइड है, यहां 6 साइनाइड है और 0 अमोनिया है। एक्सचेंज करते हैं, 5 अमोनिया इधर आ जाएंगे, 1 साइनाइड हो जाएगा, इधर 5 हो गए, ये 1 हो गया, उसके बाद इधर से 4 ये अमोनिया हो गए, 2 साइनाइड आ गए, और इधर 4 बच गए और 2 आ गए, उसके बाद 3 3 3 3 हो जाएंगे, उसके बाद 2 4 2 4 हो जाएंगे, उसके बाद 1 5 1 5 हो जाएंगे, उसके बाद 0 6 0 6। मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट कंपाउंड में जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के साथ, उसमें आप एक बार NH3 6 CN 0 जो गिवन कंडीशन है ऐसे इसमें चेक करेंगे, तो ये फर्स्ट ये बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो CO NH3 3 CN ये का होल 3, तो यहां ऑलरेडी कोबाल्ट प्लस 3 में आ चुका है, तो यहां पे चार्ज आया ही नहीं है, और चार्ज नहीं आया तो अट्रैक्शन कैसे होगा, तो ये वाला जनरेट नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, दैट मींस आंसर जो जाएगा वो 6 जाएगा। नेक्स्ट, NiH2O En, तो हम यहां देख रहे हैं कि पहले एक En ऐड किया
उसके बाद एक ई एन और एड किया और उसके बाद एक ई एन एड और एड किया। ए को बोल रहा है कि ए जो है वो पेल ब्लू है, सी जो है वो वॉयलेट है और बी का कलर आपसे पूछा है। तो अगर हम बात करें तो अगर मैं ए से बी और सी, ए से बी और सी की तरफ जा रहा हूं तो डेल ओ की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है। तो लेमड़ा जो एब्जॉर्ब है अपना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच का कलर आने वाला है, पेल ब्लू और वॉयलेट के बीच का कलर जो है वो ब्लू है। तो जो आंसर जाएगा वो फोर जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है पॉसिबल आइसोमर आपसे पूछे गए हैं कि टोटल पॉसिबल आइसोमर इस कंपाउंड के कितने हो सकते हैं। जो फॉर्मूला टाइप है कंपाउंड का, तो देखो पीडी SCN, SCN और ये NH3 और ये NH3। एक बार तो ये पॉसिबल है, दूसरा आपके पास पॉसिबल है कि इन दोनों को आप ट्रांस में रख सकते हो, SCN और यहां भी SCN और ये NH3 और ये NH3। अब अगर हम बात करें कि ये दो तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, इसमें देखें तो ये जो एम्पिडेंटेड लिगेंड है तो हो सकता है ये दोनों सल्फर सल्फर से जुड़े हुए हो, जो गिवन कंडीशन है। दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, ये भी गिवन कंडीशन है। एक सल्फर और एक नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो यहां से सिस फॉर्म में तीन आइसोमर बन गए। अगर बात करें इसकी तो यहां भी दो ट्रांस में है, तो वही कंडीशन आएगी कि दोनों सल्फर सल्फर से बॉन्डेड हो सकते हैं, एक सल्फर एक नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो सकता है, दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो सकता है। तो यहां भी तीन आएंगे, तो तीन सिस ज्योमेट्री पे आएंगे और तीन ही ट्रांस ज्योमेट्री पे आएंगे, तो जो टोटल पॉसिबल आइसोमर आएंगे वो सिक्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। यहां आपसे ऑर्डर पूछा है कि कौन सा है, तो सबसे पहले स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर है, डेल ओ दिया हुआ है। तो डेल ओ स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर की बात करते हैं, सबसे पहले मेटल पे चार्ज देखते हैं। तो मेटल यहां सीओ प्लस टू में है, यहां एफ ई प्लस थ्री में है और यहां एफ ई प्लस थ्री में है। तो चार्ज यहां पे सेम है, बट सी एन जो है वो एस एफ एल है, एच टू ओ जो है वो वीक फिल लिगेंड है और सीओ एच टू ओ प्लस टू के साथ ये भी वीक फिल लिगेंड है। तो इधर से इधर जा रहा हूं तो डेलो का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर सेकंड बात करें FeCN6+4 और FeCN6 में बॉन्ड लेंथ, तो आप देखें कि आयरन जो है यहां पे प्लस टू में है और साइनाइड आपको साथ में दिया, तो साइनाइड पहले अपने लोन पर डोनेट करेगा। इधर Fe प्लस थ्री में है और ये साइनाइड इसको लोन पर डोनेट कर रहा है। दोनों में ही बैक बॉन्डिंग है, सिंड्रेजिक बॉन्डिंग है। Fe प्लस टू भी इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, Fe प्लस थ्री भी इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जिसको आप सिंड्रेजिक बॉन्डिंग बोलते हो। मेटल के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसकी पाई एंटी बॉन्डिंग में डोनेटिंग टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो Fe प्लस टू के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Fe प्लस थ्री से ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो यहां सीधा सा कंसेप्ट है कि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर क्या आने वाले हैं, ज्यादा आने वाले हैं। हमें Fe सी बॉन्ड लेंथ की बात की है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां अगर बात करें कि FeCN4 और Fe सी बॉन्ड लेंथ की बात की है, तो Fe सी बॉन्ड लेंथ जो है वो यहां बॉन्ड लेंथ गलत हो गया। फिर बात करें CnCO पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, जी हाँ, CO की पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी CN से ज्यादा है, दोनों ही पाई एसिड लिगेंड है, ये स्टेटमेंट सही है। C2H4 और ये भी सिंड्रेजिक बॉन्डिंग के कारण इसकी भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, फ्री कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 13 पिकोमीटर और यहां पे जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो हो जाती है 137 पिकोमीटर, तो ये भी सही है। तो हमें पूछा था इनकरेक्ट, तो आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद सो आयनेशन और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन में ये पूछा है कि या तो आयनाइजेशन या फिर हाइड्रेट, दोनों में से कोई एक आइसोमेरिज्म आनी चाहिए। तो ये वाला कंपाउंड आयन बाहर है, अंदर कोई आयन नहीं है, तो ये आयनेशन शो नहीं करेगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं SO4 को अंदर लेके जाऊंगा और H2 को बाहर लेके जाऊंगा, तो अट्रैक्शन नहीं होगा। यहां पे दोनों ही ClCl है, तो अगर Cl को इंटरचेंज करूंगा तो आयनेशन आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। यहां पे अगर बात करें तो यहां पे जो SO4 है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, बट Cl मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो यहां भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी बात करें
तो ये वाला कंपाउंड शो कर सकता है आयनेशन एजिमिन, सीएल बाहर चला जाएगा और एसओ फोर अंदर आ जाएगा। तो एक बार सल्फेट आयन दे रहा है, दूसरी बार क्लोराइड आयन देगा, तो आंसर जाएगा वो फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज, तो आप इनको फेसियल पहले ये दिया हुआ है, तो आप ये देखें कि फेसियल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो तीन ए जो है वो 90 पे जाएंगे, फिर उसके बाद बी टू सी ये ऐसे जाएंगे, ये तीन 90 पे जाएंगे, ये फेसियल हुआ। मेरिडोनियल की बात करें तो मेरिडोनियल पे तीन आइडेंटिकल लिगेंड 90 पे नहीं रहेंगे, ये ए ए ए ये दो 180 पे, एक 90 पे, बाकी रिमेनिंग जो है वो बी और ये सी जाएगा। फिर वहां बात की फेसियल की वापस से थर्ड में, तो मेटल यहां पे वापस तीनों ए 90 पे जाएंगे, फेसियल की बात की है, और फिर बी सी और डी। और मेरिडोनियल की बात करें तो वापस से मेटल दो ए 180 पे, और फिर ये यहां पे ए और रिमेनिंग जो है बी सी और डी। अब अगर बात करें तो इस कंपाउंड में ये वाला प्लेन लगेगा तो ये इनएक्टिव हो गया। इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें ये दोनों आइडेंटिकल लिगेंड है, तो इसमें भी प्लेन लग जाएगा, ये वाला प्लेन लग जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें बात करें तो यहां कोई प्लेन की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, आप गौर से देखिए यहां दोनों नॉन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा वो एक्टिव होगा। इसमें ये दोनों सेम है तो इसमें भी प्लेन लग जाएगा, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन विच कैंस योर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन जिसपे दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल जनरेट हो सकते हो वो हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। sp3 पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि 10928 सभी बॉन्ड एंगल 10928 के होते हैं। dsp2 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो इसमें दो बॉन्ड एंगल है, एक 180 का है और दूसरा 90 का है, तो ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, ये वाला शो नहीं कर रहा। sp3d2 की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में भी दो पॉसिबिलिटी है, 90 पे भी है, भाई ये इसके रेस्पेक्ट में 90 है और ये इसके रेस्पेक्ट में 180 है, तो ये वाला भी शो कर सकता है। dsp3 की बात करें तो पेंटागोनल ट्राइगोनल बाईपिरामिडल मेटल और ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो यहां भी दो पॉसिबिलिटी है, ये इसके रेस्पेक्ट में 90 है और ये यहां 180 है, तो ये भी शो कर सकता है। हमें पूछा है कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो बी सी और डी, तो आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट, विच कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैज मेटल कार्बन बॉन्ड, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके आया हूं मैं कि फेरोसिन में मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, तो जो आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड व्हेन रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ Na2S, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड हम यूज में लेते हैं टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन, इसका फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO, ये जो है वो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Na2S से जो सल्फाइड आयन का टेस्ट है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Na4FeCN, कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Na4FeCN5 और ये NOS, इसको चेक कर लें ये वाला कंपाउंड बनता है, ये कहीं दिया हुआ है क्या, तो ये ऑप्शन में है सेकंड में, तो इसका आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में वेल नोन है, फोटोग्राफी में हम AGBR यूज में लेते हैं, तो जो पहला कॉम्प्लेक्स बी बनेगा वो बनेगा Na3AgS2O3 का होल ट्वाइज, ये आपका कॉम्प्लेक्स बना बी। इस बी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाई है NaCN से, NaCN के साथ रिएक्शन करने पे कॉम्प्लेक्स बना है C, और कॉम्प्लेक्स C जो बनेगा Ag के साथ वो बनेगा AgCN2 और ये माइनस, ये कॉम्प्लेक्स आपका C है। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई है जिंक से, मेटलर्जी की रिएक्शन है, जिंक रिप्लेस कर देगा Ag को रिड्यूस कर देगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा ZnCN4-2। यू नो कि जिंक जो है वो प्लस टू में है, प्लस टू का मतलब हुआ कि 3D10 कॉन्फिगरेशन है, और 3D10 का मतलब ऑल डी फुली फिल्ड है, इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है वो आने वाला है sp3, तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीएफएससी वेलो ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज जीरो, आपको बोला है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की सीएफएससी वैल्यू क्या है, जीरो, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी, इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा,
तो ऑक्टाइडल हाई स्पिन जीरो सीएफएससी कब आ सकती है ऑक्टाइडल में, डी टेन पे भी आ सकती है और डी फाइव पे भी आ सकती है, पर डी टेन का यहां कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि डी टेन में आप हाई स्पिन और लो स्पिन में क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो, डी फाइव ही कॉन्फिगरेशन होगा। तो डी फाइव कॉन्फिगरेशन होगा तो जीरो सीएफएससी कब आएगी, इस कॉन्फिगरेशन पे जीरो सीएफएससी आएगी। ये टी टू जी हो गया और ये वाला आपका ई जी हो गया, तो वन टू थ्री फोर फाइव यहां आप सीएफएससी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जीरो आएगा। तो कॉन्फिगरेशन आपके पास टी टू जी थ्री और ई जी टू, इस पे सीएफएससी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जीरो। तो इसका मतलब आपसे पूछा है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फाइव। फाइव की वैल्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूला है आपके पास एन एन प्लस टू, ये बोर मैग्नेटोन, इसमें रखोगे फाइव वैल्यू तो आंसर जाएगा 5.91 बोर मैग्नेटोन, तो आंसर जो जाएगा वो थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड एक्ट एज ए वीक फील्ड लिगेंड फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर सीओ प्लस थ्री। थोड़ा सा यहां एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि सीओ प्लस थ्री के साथ हम ये देखते हैं कि जो एच टू ओ है और सी टू ओ फोर माइनस टू है, ऑक्सीलेटो है, ये प्लस थ्री के साथ दोनों ही एसएफएल का काम करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है बट सीओ प्लस थ्री कॉम्प्लेक्स में ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। हमें बोला है कि वीक फील्ड लिगेंड का काम कौन करेगा, सीओ प्लस थ्री के साथ, तो ये तो मैंने बोल दिया कि ये एसएफएल का काम करेंगे। एनएच थ्री यहां एसएफएल हो गया और एफ माइनस वीक फील्ड लिगेंड हो गया। यहां बात करें ओनली एफ, ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया। यहां फिर वापस ये दोनों आ गए तो मैंने बोला ये दोनों ही क्या है, एसएफएल है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो हमें पूछा है कि वीक फील्ड लिगेंड का काम कौन करेगा, तो वो करेगा थर्ड, ओनली फ्लोराइड आयन, तो जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है, इसका पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, पांच कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बोनेट बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हुआ वो सिक्स हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें सीएलओ फोर माइनस में तो यहां प्लस है, सीओ थ्री माइनस टू में है, तो इसको चेक करोगे तो ये प्लस थ्री आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर थ्री हो गया। फिर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो सीओ प्लस थ्री में है, सीओ प्लस थ्री का मतलब हो गया डी सिक्स, मतलब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो सिक्स आएंगे। एंड नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन, तो डी सिक्स इलेक्ट्रॉन को एसएफएल है, डी सिक्स विथ एसएफएल, तो एसएफएल के साथ अगर डी सिक्स को भरोगे तो कॉन्फिगरेशन आएगा टी टू जी सिक्स ई जी जीरो, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी, तो ये आएगा यहां पे जीरो। तो आपके पास सिक्स थ्री सिक्स जीरो, ऐसा ऑप्शन है क्या, सिक्स थ्री सिक्स जीरो, सिक्स थ्री सिक्स जीरो, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ विल बी इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपके पास कार्बोनेट दिया हुआ है सीओ थ्री माइनस टू में, बता देता हूं कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1.33। फिर आपके पास दिया हुआ है एक बी एच थ्री सी ओ, एक दिया हुआ है सीओ टू, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो टू आएगा। आई थिंक आपको बॉन्ड ऑर्डर सबको आता होगा निकालना। अगर बी एच थ्री सी ओ की बात करूं और एक आपको दिया हुआ है मेटल सीओ की बात करूं, तो इन दोनों ही केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्लोज टू 3.0 के आएगा। तो इन दोनों में बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3.0 के क्लोज, यहां बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.33 और 2। तो जहां बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ नो डाउट यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कंपेरेटिव टू दिस टू कंपाउंड। तो अगर यहां बात करें तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो होगी CO3 माइनस टू की, उसके बाद CO2 की। अब इनकी बात करें तो यहां आप ये देखो कि ये जो कंपाउंड है मेटल वापस कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, जिसको आप सिंड्रेजिक बॉन्डिंग बोलते हो। तो जब ये मेटल इस कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि इसमें बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसमें ये वापस बैक बॉन्डिंग वाली टेंडेंसी खत्म हो गई, तो उसके बाद जो आएगा वो मेटल कार्बोनिल और सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा BH3CO। ऐसा ऑप्शन चेक करें कि ऐसा ऑप्शन कहां दिया हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है,
तो आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। तो देखो यहां बॉन्ड एंगल की बात करें, ये 120 SP2 है, ये 109 के क्लोज आएगा, यहां भी बॉन्ड एंगल सही आएगा, बट यहां आप इनको चेक कर लें, इस ऑप्शन को चेक करें, बाकी सब सही ऑर्डर दिए हुए हैं। इन चारों में ही SP3 हाइब्रिडाइजेशन है और इन चारों का बॉन्ड एंगल जो आएगा वो सेम आएगा, मतलब 10928 बॉन्ड एंगल आएगा। क्यों? बिकॉज ऑल हैव सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन चारों के पास सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल है और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम रिपल्सन फील करते हैं, तो ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है। करेक्ट कब होता? जब ये सब बराबर दिए हुए होते, तो आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ क्लेट रिंग इज करेक्ट फोर। आपको क्लेट रिंग पूछा, तो क्लेट रिंग का सीधा सा कंसेप्ट है कि डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी है? -1। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड -1। तो यहां पे इथाइलिन डायमीन है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो डेंटिसिटी इसकी 2 हो गई और -1, तो ये एक इथाइलिन डायमीन एक क्लेट रिंग बना रहा है, बट दो इथाइलिन डायमीन है तो ये दो रिंग यहां से बनेगी, ऑक्सिलेटो बाइडेंटेड है एक यहां से बनेगी, मतलब इसमें 3 क्लेट रिंग रहेगी। ये जो है वो है टेट्राडेंटेड, टेट्राडेंटेड, और टेट्राडेंटेड का मतलब कि इसमें जो डेंटिसिटी है वो 4 है, तो क्लेट रिंग बनेगी इसमें वो 3, और एक रिंग बनेगी ऑक्सिलेटो से जैसे वहां बनी है, तो इसमें क्लेट रिंग है वो है 4। EDTA हेक्साडेंटेड है, तो यहां क्लेट रिंग जो आएगी वो आएगी 5। यहां ऑक्सिलेटो बाइडेंटेड लिगेंड है 2 है, तो 1+1 दोनों से एक एक बन जाएगी, इससे बनेगी नहीं तो इसमें आएगी 2। तो सबसे ज्यादा जो क्लेट रिंग है वो सी वाले कॉम्प्लेक्स में है, उसके बाद बी वाले कॉम्प्लेक्स में है, और उसके बाद ए वाले में है, और सबसे कम जो है वो डी वाले में है। तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईएन ऑफ मेटल एटम, दो कंपाउंड दिए हुए हैं, इनकी ईएन पूछी है, तो आप इसका ईएन कैलकुलेट करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 26 हो गया, जो सीओ है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 4 यहां से आ जाएंगे। एनओ जो है वो प्लस में दिया हुआ है, तो एनओ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, तो दो एनओ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर करेंगे, तो यहां पे 4 यहां से, ये प्लस में है तो आयरन की जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो -2 में आएगी, तो +2 और एड हो जाएगा। तो इसका अगर ईएन आप कैलकुलेट करोगे तो इसका ईएन जो आएगा वो आएगा 36, मतलब ये कंपाउंड ईएन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसका आप वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो कि एक कोबाल्ट का जो होता है वो 27 होता है इंटू 2, तो ये 54 हो गया। 8 कार्बोनिल है, 8, एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां से 16 हो गया। एक इसमें मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके हो गए, तो यहां से आप देखोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 72, पर मेटल जो इलेक्ट्रॉन हिस्से आएंगे वो आएंगे 36। इसका मतलब दोनों ही ईएन को फॉलो करेंगे, तो जो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स नॉट करेक्ट। नेमिंग का कंसेप्ट सभी को आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा तो ढंग से पढ़ें इस चीज को, कि यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, यहां आयरन +2 में है, यहां नेमिंग में +3 दिखाया हुआ है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, तो जो आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंट हाइड्रेटेड आइसोमर ऑफ CrCl3+6H2O कैन नॉट बी डिफरेंशिएट बाय। इसके 3 आइसोमर बनेंगे, एक CrH2O6Cl3, एक आइसोमर बनेगा इसका CrH2O5Cl और ये Cl2, और एक जो आइसोमर बनेगा वो बनेगा CrH2O4Cl2 और ये Cl। तो बोला कंडक्टिविटी मेजरमेंट, तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट देखोगे तो यहां पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, एक ये कैटायन है, 3 एनायन है, तो 1+3 आयन है, यहां पे 1+2 आयन है, और यहां पे 1+1 आयन है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ आयन डिफरेंट है, तो कंडक्टिविटी डिफरेंट आएगी, तो इससे तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन बाई AgNO3, तो AgNO3 में ये AgNO3 के साथ ये 3 AgCl देगा,
ये 2 AgCl देगा और ये 1 AgCl देगा, तो AgCl का अमाउंट भी तीनों में डिफरेंट आएगा, तो इससे भी हम डिप्रिसिएट कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट भी अलग अलग आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे क्रोमियम 6H2 से सराउंडेड है, यहां 5H2O और एक Cl से सराउंडेड है, और यहां 4H2O और दो Cl2 से सराउंडेड है, तो डायपोल मोमेंट भी अलग अलग आएगा, तो इससे भी हम डिप्रिसिएट कर सकते हैं। बट मैग्नेटिक मोमेंट आप देखें, सभी वीक फील्ड लिगेंड है, Cr+3 में है, हर एक के पास n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी के पास कितने आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग नहीं आएगा, इससे हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो आंसर जो जाएगा वो 4th जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप देखें यहां Fe+2 में है, Fe+2 और वो भी किसके साथ है, SFL के साथ है, तो Fe+2 में जो कॉन्फिगरेशन आएगा वो आएगा T2G6Eg0, मतलब n की वैल्यू कितनी आई, 0। FeCN6 तो Fe+3 में है, तो यहां जो कॉन्फिगरेशन आएगा वो 2G5 और Eg0, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो n की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। उसके बाद क्रोमियम+3 में तो D3 और D3 का कोई पेयरिंग नहीं होता, यहां जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। NiH2O4+2 निकिल+2 में है, तो D8 कॉन्फिगरेशन हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरने हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे T2G6Eg2, तो इसके पास n की वैल्यू आई है 2, इसके लिए 2 आई है, इसके लिए 1, उसके लिए 0 और इसके लिए 3, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो 3rd का होगा, और ऐसा ऑप्शन केवल अपने पास एक ही है, 4th, तो 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक स्पीसीज, डायमैग्नेटिक स्पीसीज की बात करें तो यहां KO2 दिया हुआ है, तो O2 माइनस सुपरऑक्साइड है, तो इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ClO2 ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो फर्स्ट वाली स्पीसीज ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। यहां Cb+3 में है, तो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है कि ऑक्सीलेटो के साथ कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो यहां भी n की वैल्यू 0 है, तो डायमैग्नेटिक, आगे ऑप्शन चेक करेंगे तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो डायमैग्नेटिक जो होगा वो 3rd होगा, 3rd इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D6 सिस्टम इज ΔO इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये सिंपल सा कांसेप्ट है कि आपके पास D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, 1 2, ये 3 4 5 और ये 6, और आपको भरने हैं ये T2G हो गया और ये Eg हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दो, 1 2 3। अब बात आती है 4th इलेक्ट्रॉन की, तो यहां ये जो एनर्जी गैप है वो है ΔO, तो आप ये देखो कि 4th इलेक्ट्रॉन के आपके पास दो वे हो गए, या तो 4th इलेक्ट्रॉन यहां जाए या फिर यहां पेयरिंग करवाए, दोनों ही केस में एनर्जी खर्च होनी है। अगर आप यहां इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर वहां इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो ΔO एनर्जी पाथ आपको पार करना पड़ेगा, काम वो कर लो जिसमें खर्चा कम हो, मतलब ΔO की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ऊपर जाएगा और कॉन्फिगरेशन आ जाएगा ये वाला, तो इसमें जो कॉन्फिगरेशन आएगा वो आएगा T2G4 और Eg2, आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन शो आयनाइजेशन लिंकेज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एवरीथिंग सब कुछ पूछ लिया है कि आपको आयनाइजेशन भी शो करना चाहिए, लिंकेज भी करना चाहिए, तो सबसे पहले आप इसको देखें कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन सा शो कर सकता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबिलिटी खत्म होगी, क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एम्पीडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है, इसमें एम्पीडेंटेड लिगेंड नहीं है, इसमें एम्पीडेंटेड लिगेंड है, ये NO2 जो अगर अंदर जाए तो ये एम्पीडेंटिसिटी शो कर सकता है, इसमें साइनाइड है ये भी शो कर सकता है, और इसमें NO2 है ये भी शो कर सकता है, तो 3rd को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है आंसर आने की। अब अगर बात करें आयनाइजेशन, तो ये आयनाइजेशन शो कर सकता है, Br अंदर जा सकता है, NO2 बाहर आ सकता है, ये भी आयनाइजेशन शो कर सकता है, CnCl बाहर सकता है, और ये भी आयनाइजेशन शो कर सकता है, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसमें जो बना है वो Ma2, इसमें जो बना है आपके पास Ma2B4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये जो बना है Ma3B3, आप यहां देखें ये Ma3B3 दो टाइप की स्पीसीज बनाएगा, फेसियल और मेरिडोनियल, और दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, तो ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो 4th ऐसे कैंसिल हो गया। अब बात है इसकी, तो Ma2 और B4 में आपके पास सिस बनता है और ट्रांस बनता है, और दोनों ही ऑप्टिकली
इनएक्टिव है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर में शो नहीं करेगा, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड कलर्ड। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो निकिल प्लस टू में डी एट तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि डी एट की बात करें ऑक्टाहेड्रल के साथ, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। सी ओ एच टू ओ सिक्स प्लस टू, तो यहां डी सेवन ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का है। टी आई एच टू ओ सिक्स प्लस थ्री, यहां टाइटेनियम, यहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये भी पैरामैग्नेटिक का है। सी ओ एन एच थ्री सिक्स प्लस थ्री, यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तो ये डायमैग्नेटिक का है, तो ये तो नहीं होगा। फिर पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, तो डी सेवन और डी एट वाले ये दोनों ही रखेंगे एसपी थ्री डी टू, और ये वाला जो रखेगा वो रखेगा डी टू एसपी थ्री, तो इनर ऑर्बिटल इसमें काम में आया है, तो जो आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप देख लें कि यहां डाई मिथाइल ग्लाइक्सोमेटो है, यहां इथाइलिन डाई एमिना है, हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे ज्यादा स्टेबल है, तो ये तो सही है। ट्राई इन और ईएन, यहां दो किलेटरिंग है और यहां तीन किलेटरिंग है, तो ये भी सही है। सीओ एफ थ्री एच टू ओ, एच टू ओ के साथ एसएफएल की तरह व्यवहार करता है, तो ये भी सही है सीओ प्लस थ्री में। यहां बात करें तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये सॉरी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो तो है ऑक्टाहेड्रल, और ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की वैल्यू सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू ऑक्टाहेड्रल, तो ये वाला गलत हो गया, तो जो आंसर जाएगा वो है फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। हंड्रेड नंबर, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट का सही है, नॉन जीरो होगा क्योंकि लोन पेयर डिस्टर्ब करेंगे, पूरी तरह कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, तो ये भी सही है। सी एच टू सी एल टू सी एच सी एल थ्री, तो अगर यहां डायपोल मोमेंट की बात करें कि विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डायपोल मोमेंट, तो सी एच सी एल थ्री का डायपोल मोमेंट कम होता है सी एच टू सी एल टू से, तो ये भी सही है। पी सी एल टू बी आर थ्री और पी बी आर थ्री, तो आप यहां देखें कि ये जो कंपाउंड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सी एल और ये बी आर और ये बी आर, तो इसका डायपोल मोमेंट जो आएगा वो जीरो आएगा। इसकी बात करें तो ये पी, ये सी एल, ये सी एल, ये सी एल और ये बी आर और ये बी आर, इसका डायपोल मोमेंट आएगा नॉन जीरो, इसका मतलब फर्स्ट वाले का डायपोल मोमेंट कम है, सेकंड वाले का ज्यादा है, बराबर दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 101, हमसे बोला है कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, तो H2O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो पोलर है, तो ये आएगा। N2H4 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, तो ये भी आएगा। CH2 में कार्बन कार्बन नॉन पोलर है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, तो ये भी आएगा। PH3 में सभी बॉन्ड पोलर है, ये नहीं आएगा, यहां भी सभी बॉन्ड पोलर है, यहां भी सभी बॉन्ड पोलर है। O2 up to में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नॉन पोलर है और ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड पोलर है, तो ए बी सी जी आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की बात करें तो ओ एफ टू और ओ एच टू में गलत है, एच टू का ज्यादा होता है, तो ये गलत हो गया। एनएच थ्री और एनएच थ्री में वेल नोन क्वेश्चन है, एनएच थ्री का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो ये भी गलत हो गया। एच टू ओ टू और एच टू ओ में एच टू ओ टू का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ये भी गलत हो गया। सी एच थ्री एफ और सी एच थ्री सी एल में ये वाला ऑर्डर क्या है, सही है, जो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका रीजन यह है कि सिलिकन ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और यहां से अगर ये H डोनेट करेगा तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो बैक बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये ऑर्डर तो सही है। फिर बोला है कि H बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, डेफिनेटली इस कंपाउंड की H बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी क्योंकि सिलिकन ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये ओ एच, जब ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग दिखा रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है और इस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ेगी तो एच की एच बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ये गलत हो गया क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेविस एसिड का स्ट्रेंथ अगर देखें तो बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन हो रहा है, ये सही है।
लेविस बेसिक स्ट्रेंथ देखें तो इसके जो लोन पेयर हैं SI और SI ये HH लगे हुए हैं, तो ये बैक बॉन्डिंग शो कर रहे हैं जबकि इसके नहीं कर रहे, तो ये भी सही है। तो हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सॉलिड I2। आप बाकी सारी चीज चेक कर ले, मैं बता देता हूं कि सॉलिड I2 जो है वो एग्जिस्ट करता है I3 प्लस और I3 माइनस। I3 प्लस जो है आप एज्यूम कर लें II प्लस, इसको एज्यूम कर लें II माइनस, तो ये तो आएगा बेंड शेप और ये आएगा लीनियर। अब ऑप्शन चेक कर लें, बोथ कैटायनिक एनायनिक पार्ट हैव प्लेनर ज्योमेट्री, तो बेंड शेप भी प्लेनर है, लीनियर शेप भी प्लेनर है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। एनायनिक पार्ट इज आइसोस्ट्रक्चरल विद एक्सियल टू, तो एक्सियल टू का आप हाइब्रिडेशन से शेप चेक करोगे तो लीनियर आने वाला है, ये भी सही है। कैटायनिक पार्ट हैज वी शेप, ये भी सही है। बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट हैव सेम बॉन्ड एंगल, मतलब ही नहीं है क्योंकि यहां 180 का है, यहां 180 बॉन्ड एंगल नहीं आएगा, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो होगा फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विथ N2O, N2O जो है वो लीनियर है और N3 माइनस ये भी लीनियर है, CN2 माइनस ये भी लीनियर है और NCO माइनस ये भी लीनियर है और ये वाला जो है वो है बेंट शेप, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन ऑफ ICl3 इन सॉलिड स्टेट, तो ICl3 सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा I2Cl6 में और यहां हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा sp3d2। दूसरा बोला है एंड I2ClBr2, इसमें भी जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आएगा sp3d2, दोनों ही केस में sp3d2, तो थर्ड आंसर आएगा बोथ sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, AlCl3 डाइमर बनाता है तो ये 2AlCl3 का ये डाइमर बन जाएगा, I2Cl6 डाइमर बनाता है तो ये 2ICl3 का डाइमर बन गया, Fe2Cl6 ये भी डाइमर बनाता है, ये 2FeCl3 का डाइमर हो गया, B2Cl6 मतलब ये है कि BCl3 डाइमर नहीं बनाता, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, तो P4O10 में अगर आप देखोगे तो 4 पाई बॉन्ड है, S3O9 में आपको बता देता हूं कि S3O9 की जो स्ट्रक्चर होगी वो ये वाली स्ट्रक्चर होगी, तो अगर यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिने तो 2 to 6 पाई बॉन्ड है, P4O6 में 0 पाई बॉन्ड है, N3 माइनस में एजाइड आयन में 2 पाई बॉन्ड है, तो मैक्सिमम पाई बॉन्ड जो होंगे वो S3O9 में होंगे, आंसर जो जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई एज वेल एज डेल्टा बॉन्ड, तो डेल्टा बॉन्ड DZ² को छोड़ के बाकी सभी डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, तो DZ² ऑप्शन में है, खत्म, सेकंड आंसर। नेक्स्ट, द सम ऑफ इनर डी ऑर्बिटल यूज्ड बाय ऑल द कॉम्प्लेक्स फॉर बॉन्डिंग, कि किसमें इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो निकिल प्लस D8 है और यहां हाइब्रिडेशन आ जाएगा वो आएगा sp3d2, तो यहां आउटर ऑर्बिटल काम में आया है, ऑक्सिलेटो बार बार का बात कर रहा हूं SFL है, तो यहां D6 है और यहां हाइब्रिडेशन आएगा D2sp3, K2ZnCn4 तो Zn+2 में है और यहां Zn+2 में हमेशा हाइब्रिडेशन रखता है sp3। हमें बोला है कि द सम ऑफ इनर डी ऑर्बिटल यूज्ड बाय ऑल द कॉम्प्लेक्स फॉर बॉन्डिंग इज, तो इसमें इनर ऑर्बिटल 2 यूज में आए हैं, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग TiF6 CuF6 Cu2Cl2 और NiCl4 आर द कलरलेस स्पीसीज आर, तो यहां देखिए टाइटेनियम +4 में है, D0 कलरलेस होगा, Co+3 में है ये कलर्ड होगा, Cu2 ये D10 कॉन्फिगरेशन हो गया ये भी कलरलेस होगा, NiCl4 ये कलर्ड होगा, तो कलरलेस स्पीसीज ये वाली और ये दोनों क्या हो जाएगी, कलरलेस स्पीसीज हो जाएगी, तो आंसर जो जाएगा वो फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन रिंग इज फॉर्मिंग इन द रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, वेल नोन एग्जांपल है ब्राउन रिंग टेस्ट का, फॉर्मूला जो होता है
वो फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स एवं सीएफएससी, अगर सीएफएससी 0.8 डेल ओ है तो बाई वीक फील्ड लिगेंड, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो देखो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो ये टी टू जी और ये हुआ ई जी। हमारे पास सीएफएससी 0.,  हमें पता है कि यहां जो है एनर्जी वो पर इलेक्ट्रॉन 0.4 होती है, तो दो कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो -0.4 × 2 तो 0.8 हो जाएगी माइनस में। तो इसका मतलब यह हुआ कि एन की वैल्यू दो आने पर सीएफएससी इतनी आती है। इसके अलावा अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब D7 कॉन्फ़िगरेशन पे अगर अब मैं सीएफएससी कैलकुलेट करूंगा तो भी -0.8 ही आएगी। इस केस में इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो आप 2 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा, तो 2 पे अगर रखोगे वैल्यू तो आएगा आपके पास 8 बोर मैग्नेट्रॉन और 3 रखोगे तो आएगा 15 बोर मैग्नेट्रॉन, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन है 0 सीएफएससी इन बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। 0 सीएफएससी स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड में D10 की होगी, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है, 0 आ जाएगी, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट लोवेस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन बैंड इज। तो देखो वापस डेल ओ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो डेल ओ की वैल्यू कैलकुलेट करें तो निकिल +2 में है, यहां निकिल 0 में है और यहां निकिल +2 में है और यहां निकिल जो है वो +2 में है। तो अगर द कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट, तो यहां ये जो जाएगा वो sp3 जाएगा, ये भी sp3 जाएगा और ये sp3 d2 जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है तो डेल sp की वैल्यू डेल o से क्या होगी, ज्यादा होगी। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है और जहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी वहां एनर्जी एब्जॉर्प्शन बैंड लोवेस्ट होगा और हमें यही पूछा है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज नॉट प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन सा आइसोमरिज्म प्रेजेंट नहीं हो सकता, आयनेशन आइसोमरिज्म हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंपाउंड शो कर सकता है, लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा क्योंकि एम A4B2 टाइप के सिस और ट्रांस दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्पिडेंटेड लिगेंड। तो एम्पिडेंटेड लिगेंड की बात करें तो ये नाइट्रोजन डोनर ऑक्सीजन डोनर, ये कार्बन नाइट्रोजन डोनर, ये सल्फर और नाइट्रोजन डोनर, ये केवल ऑक्सीजन डोनर, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड कैन बी, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो एनओ होता है, स्पेशल केस है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक्चुअली पहले मेटल का रिडक्शन कर सकता है उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये जो हुआ एनओ वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NiCO4। तो NiCO4 D10 कॉन्फिगरेशन है, पहले जो कॉन्फिगरेशन था वो था D8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद आया ये 4s। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो टोटल इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन मैंने भरे D8 वाले और यहां था 4s2। अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो पहले इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, बाद में अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब इसकी स्पिन कम हुई है, तो इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स गलत हो गया, हैव सिंड्रेजिक बॉन्डिंग सही हो गया, तो आंसर जो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। AgF की सोल्युबिलिटी AgCl से ज्यादा होती है, वेल नोन है, KCl कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या एसीटोन में सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये भी सही है। BeC2O4 और BaC2O4 ऑक्जिलेटो के साथ इसकी सोल्युबिलिटी इससे ज्यादा होती है, तो ये गलत हो गया। LiF, NaF, LiF लिथियम के मोस्ट ऑफ सोल्ट इन सोल्यूबल होते हैं, तो ये LiF की सोल्युबिलिटी NaF की सोल्युबिलिटी ज्यादा है, तो ये सही है, हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट जो आएगा वो आएगा थर्ड। थर्ड इज करेक्ट
आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।